भाजपा तीन राज्यों में किस तरह से हारी है उसके बाद लगातार कांग्रेस की तरफ से जो बयानबाजी है वो निकल के आ रही है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है बिहार सरकार के मंत्री और भाजपा के बड़े नेता सुरेश शर्मा जी। सर, जिस तरह से भाजपा की हार हुई है, क्या लगता है लोकसभा चुनाव में इसका इफेक्ट पड़ेगा? लोकसभा चुनाव का मुद्दा और अलग होता है और विधानसभा का क्षेत्रीय मुद्दा अलग होता है। ये कोई जोड़ना उचित नहीं है कि लोकसभा में क्या होगा और विधानसभा में क्या होगा। ये जो लोकसभा में नरेंद्र भाई मोदी देश और विदेश में जितना कीर्तिमान स्थापित किए हैं, जनता उस बात से खुश है और लोकसभा के चुनाव में उनके सारे काम किए हुए विकास और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स और इंडिया को जिस लेवल पर लाए हैं, जनता इसको बखूबी समझती है और जनता उनको मदद देके भारी बहुमत से जिताएगी। तो क्या लगता है कहीं ना कहीं जो कांग्रेस महागठबंधन बना रही है, कल एक तस्वीर भी देखने को मिली थी शपथ ग्रहण समारोह में, वो भाजपा के रथ को रोक देगी 2019 में या अजय रहेगा? भाजपा का रथ उनसे नहीं रुकेगा, बल्कि वो सब लोग एक जगह मिल करके और परिवारवाद एक जगह मिल रहा है, जनता समझ रही है। क्षेत्रीय बात कुछ और होती है, इसमें भी बहुत तरह का प्रलोभन दिया गया है और प्रलोभित करके जनता को गुमराह किया गया है। जनता को अभी हम चुनाव के पहले जो तीन स्टेट में उनके काम प्रलोभन का क्या फलाफल होता है उसको देख करके जनता खुद डिसाइड करती है। तेजस्वी यादव लगातार ट्वीट करके आपकी सरकार पर निशाना साधते रहते हैं, कोई जवाब नहीं आता है। भाई विकास वो तेजस्वी यादव विपक्ष के नेता हैं तो वो तो करवे ना करेंगे, कुछ कुछ खोज करके झूठ साँच कुछ बोलेंगे तो उनको उनको बोलना उनका काम है, उनको बोलने दीजिए। चलिए, तेजस्वी यादव के ट्वीट पर कुछ नहीं बोलेगी भाजपा, उनका काम है बोलना ऐसा कहना है माननीय मंत्री जी का। जो है भारत लाइव टीवी के इस यूट्यूब चैनल से धन्यवाद। हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, ट्विटर पर फॉलो करें न्यूज़ बिहार लाइव और साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।